हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें, यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Okay. Inner happiness means when your happiness depends on your inner thoughts. Like one man think that I will be happy when I feel the blessing which I have already received from God. Suppose a man think that I have life with conscience. I have complete human body. I have good mind. I have knowledge. I have parents. I have family, food, home. I can express my feelings. In short, when we think about what we have, then we can make his life happier. But if we thought about materialistic world, that is outer thoughts, then we may be happy. Because the materialistic world is changeable. According to the change, our happiness will also be changed. So that is all. Okay. Any sentence? So which sentence? Past perfect you studied earlier. Yes, sir. But sir, आपने जो past perfect tense कराया था तो उसमें आपने दो सेंटेंस को कनेक्ट करके बताया था कि पास्ट ऑफ पास्ट, बट जब मैंने ऑनलाइन चेक किया वो तो उन्होंने डिफरेंट उसमें है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो वो तो आपने करवाया नहीं। ये सर ये एक्टिव पैसिव वॉइस है क्या, ऐसा कुछ है? आपने क्या चेक कर लिया? नहीं सर, मैं तो ऑनलाइन पर दोबारा रीड करता हूँ ना उसको, फिर दोबारा से पढ़ता हूँ उसके, मतलब और ज्यादा पांच छह वीडियो देखता हूँ। अच्छा, तो उसमें भी फिर मैं ध्यान दिया मैंने, तो मैंने सोचा फिर जैसे आपने लिखाया था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस वेन स्लैश बिफोर आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो जो काम, हाँ जी ये भी तो बताया था मैंने ऑलरेडी टिल देन, ये सब बताया था आपने बिफोर आल्सो, ऑलरेडी टिल देन बिफोर आल्सो, ये आएगा तभी सिंगल सेंटेंस बनता है पास परफेक्ट। ओके सर, केवल पास परफेक्ट होता ही नहीं है, केवल पास परफेक्ट आप बोलो आई हैड गॉन, मैं जा चुका था, ये कुछ नहीं होता जी। कि ऑनलाइन जिसने भी, अब मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? ओके सर, आप वो प्रैक्टिकल यूज नहीं है, वो सिर्फ थ्योरी है। थ्योरी भी नहीं है वो, कुछ नहीं है वो गार्बेज है। ओके सर, वो जिसने भी बनाया उसको तो मैं अब कुछ कह नहीं सकता जी। आपने उसको पढ़ लिया तो आपको ही कह सकता हूँ कि वो सही नहीं है। ठीक है सर, समझ गया। आपको करना है कि वो सही कह रहा है कि मैं सही कह रहा हूँ। आप सही कह रहे सर,
नहीं, क्योंकि यस सर, गॉट वो रूल होता ही नहीं। इट वो जो बता रहे हैं, और वो कोई इंडियन वीडियो देखा होगा आपने, जी। हाँ जी, इंडिया में तो देखा है। बस उसके लिए तो मैं कुछ कह नहीं। हाँ, अगर कोई फॉरेन टीचर आपको बता रहा हो तो बताओ। नो सर, टीचर ने तो किसी मैंने पूछा ही नहीं किसी से। नहीं, कोई बाहर का टीचर है वो आपको ये बताए तो आप बोलो कि ये भी होता है। वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि रूल यही होता है, इंटरनेशनल रूल ये है, ये जो मैंने बताया ये है। हाँ जी, वो कुछ नहीं होता, वो कि सब्जेक्ट हेड वी थ्री, वो एक कॉमन है कि पास परफेक्ट ये होता है, लेकिन पास परफेक्ट यूज कहाँ होगा? वो केवल दो सेंटेंस कनेक्ट करोगे पास्ट के तब होता है, या ऑलरेडी टिल देन बिफोर ऑल्सो होता है तब होता है। उसके अलावा सर अगर आपने लिख दिया ही हैड गॉन टू स्कूल जी, तो वो गलत ही है, 100% गलत है, और है और है, उसको कोई नहीं झुठला सकता। कोई इंडियन झुठलाया तो उसकी मैं बात नहीं मानता, यस वो झुठला सकता है आपको, या कोई इंडियन टीचर आपको कह सकता है कि ये सही है, सर। हाँ पर वो सही नहीं है। क्लियर? सर, सम आई क्वेरी। व्हेन आई रोट रोट अ टॉपिक ऑफ हैप्पियर लाइफ सर, आई ऑब्जर्व दैट आई नॉट इमेजिन द टेंसेस व्हेन आई रोट द टॉपिक, आई ओनली कॉन्सेंट्रेट व्हाट इज द रीजन ऑफ हैप्पी लाइफ, बट आई कैन नॉट, आई कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन द टेंसेस और सेंटेंस फॉर्मेशन, इट इज राइट और रॉन्ग। तो आई नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट माई दिस इंग्लिश लैंग्वेज ऑन दिस टॉपिक। एक्चुअली दीज आर द बेस मीन ग्रामर, यू आर लर्निंग ग्रामर एंड ऑल, यस सर। बट इफ यू आर एबल टू राइट इंग्लिश विदाउट थिंकिंग ऑफ ग्रामर, और इफ यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट थिंकिंग ऑफ ग्रामर और सेंटेंस यस सर, फॉर्मिंग, देन इट्स फार बेटर, और इट इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। दैट मीन नाउ यू आर स्पीकिंग नेचुरली, यू आर राइटिंग नेचुरली। ओके सर, बट सर आई हैव वन क्वेरी, बिकॉज आई हैव नॉट कॉन्फिडेंट दैट दिस इज करेक्ट सेंटेंस एज पर टेंसेस। Some mistakes are there, but it's okay. ओके, यस सर, It's not a problem. यस सर। Anything else? Questions and all? नो सर, नो क्वेश्चंस। ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपली यू नो रहा था, रही थी, रहे थे विद टाइम। बट समटाइम्स जैसे मैंने कहा, सपोज आई राइट ए सेंटेंस, आई हैड बीन एंड इंग्लिश टीचर, थाउजेंड फाइव टू 2010,
इंग्लिश टीचर फ्रॉम 2005 नॉट फ्रॉम सिंस टू सिंस No, it is a sentence. Okay, sir. Right, sir, clear. I have been an English teacher since 2005 to 2008 in Delhi. Means there may be or there may not be. Raha tha, rahi thi, rahe the in a sentence. But if time is there, मैं वहां 2 घंटे तक था आप आई नहीं. सपोज आई से दिस सेंटेंस मैं वहां 2 घंटे तक रहा और आप आए ही नहीं. आई हैड बीन हाँ आई हैड बीन देयर फॉर 2 आवर्स देयर फॉर 2 आवर्स यस सर डिडंट कम. आई हैड बीन देयर फॉर 2 आवर्स बट यू डिडंट कम. यू डिडंट कम यस सर क्लियर. ये सेम कॉन्सेप्ट हो गया कि पास्ट ऑफ पास्ट विद टाइम. नहीं पास्ट ऑफ पास्ट क्यों है ये? बिकॉज सर आई हैड बीन में तो थर्ड फॉर्म आ गई. कहाँ आ गई थर्ड फॉर्म? राइट सर थर्ड फॉर्म तो नहीं. नहीं थर्ड फॉर्म आप बीन को ले सकते हो लेकिन इसका मतलब वहां रहा था ना मैं. आई हैड बीन जैसे मैंने कहा था मैं 25 साल से टीचर हूँ. आई हैव बीन अ टीचर फॉर 25 ईयर्स. यस सर ये था ना. हाँ अब इसमें हो सकता है कि आपके दोनों सेंटेंस आ जाए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट इंडेफिनिट. Yes, sir. So, कैसे? जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा था. तो आई हैड वेटेड फॉर यू. आई हैड बीन वेटिंग. ओके सर ये सर फॉर्मूला क्या होगा इसका? फॉर्मूला जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का लिख देता हूँ. सब्जेक्ट प्लस हैड तो सेंटेंस क्या बन गया. आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स बिफोर यू केम. यस सर आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स बिफोर यू केम. बिफोर यू केम I had been waiting for you for 2 hours before you came. Yes. But sir, can we use 4 in 2 times in sentence? Can we use 4 2 times in a sentence?
एक बात बताओ, यस सर। किसी व्यक्ति के चोट लग गई, हाँ जी, चार जगह लग गई, यस सर, तो पट्टी चार जगह ही बांधनी पड़ेगी ना? यस सर, चार जगह बांधनी पड़ेगी। अब आप एक शरीर में साहब चार जगह पट्टी, साहब चार जगह 20 जगह भी लगा सकते हो आप। ओके ठीक है सर, क्लियर। और उसकी जरूरत होना चाहिए वहां, जरूरत होना चाहिए। जरूरत के बिना अगर लगाई है तो गलत है। क्या कुछ नहीं, वैसे ही शौक चढ़ गया, पट्टी लगा के बाजार घूम रहे हो सर, तो गलत है। तो गलत है क्योंकि फॉर इसलिए आएगा क्योंकि अपन ने कहा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, फॉर यू, तो वेटिंग के साथ फॉर आता ही आता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो वो तो आएगा ही आएगा। और फॉर चूंकि टाइम आ रहा है इसलिए आएगा ही आएगा। आप एक सेंटेंस में 20 बार लगाओ फॉर, कौन रोक रहा है आपको? आप राजा हो इस देश के। नहीं बट सर, टाइम नहीं होता तो हम लिखते आई हैड वेट, यदि सर टाइम इसमें नहीं होता सेंटेंस के अंदर तो फिर हम लिखते आई हैड वेटेड फॉर यू बिफोर यू केम। हाँ ये भी कह सकते थे, वेटेड फॉर यू बिफोर यू केम, लेकिन चूंकि अब उसमें टाइम आ गया तो चूंकि हाँ ऐसे भी बना सकते थे आप, आई हैड वेटेड फॉर यू बिफोर यू केम, ये भी ठीक है, मतलब तुम्हारे आने से पहले मैंने इंतजार किया था। यस सर, तो ये वही वाली चीज आ गई, पास्ट ऑफ पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट विद टाइम विदाउट टाइम, हाँ चलेगा ये। यस सर, दिस इज पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट कोई बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट बोलेंगे ना सर? पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों आए ना उसमें फिर। ओके सर, सेकंड फॉर्म, हाँ राइट सर, गॉट इट, ठीक है, ठीक है सर, चलिए अभी हम कर रहे हैं फ्यूचर। हाँ जी फ्यूचर, सब्जेक्ट प्लस तो गागी गे, हाँ जी, जाऊंगा, खाऊंगा, जाएगा, आएगा, आई विल ईट द फूड, आई विल ईट, आई विल गो, तो आई विल को अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई विल गो, आई विल गो देयर, यू विल गो देयर, आई वॉन्ट गो देयर। अब नेगेटिव में तो वॉन्ट बोलते हैं अपन, विल नॉट गो, I won't go. Yes, I won't go there. But sir, is it not future tense? क्यों? तो क्या है? I sir want to want आगे ना, I want not. वो want होता है, W A N T होता है। ये want है, want want नहीं है। क्योंकि आई वॉन्ट गो तो कुछ होता ही नहीं है ना, ये तो मर्डर हो गया सेंटेंस का। क्योंकि आई वॉन्ट गो तो होता ही नहीं है, यस सर, ये तो मर्डर हो गया। यस सर, वो वॉन्ट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, आई वॉन्ट गो। अगर ये कहना होता तो आप कहते आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूं। अगर अमेरिकन इंग्लिश में बोलते तो आप बोलते आई वॉन्ट अ गो, यस सर, आई वॉन्ट अ गो, आई एम गोना डू दैट, आई गोना डू दैट, I am gonna do that means I am going to do that. Right sir. ठीक है, तो ये want to अलग चीज है, want future है। Yes sir. ठीक है, तो अपन ने कहा I'll go there,
आई वॉन्ट गो देयर, विल यू गो देयर? अब क्वेश्चन पूछ रहा आपके, विल यू गो देयर? आई वॉन्ट गो देयर, हाँ। अब इसमें क्या होता है फ्यूचर में, जैसे आप क्वेश्चन बनाते हो ना तो वो एक रिक्वेस्ट भी हो जाती है। इसकी एक खास बात है फ्यूचर इनडेफिनेट की। यस सर। जैसे आपने किसी से पूछना क्या तुम वहां जाओगे, विल यू गो देयर, हाँ विल यू गो देयर, तो ये तो एक तो क्वेश्चन हो गया क्या तुम वहां जाओगे, एक रिक्वेस्ट भी हो जाती है ये। जैसे विल यू प्लीज गो देयर, मतलब इसका क्या आप वहां बैठ जाएंगे, तो ये एक रिक्वेस्ट भी होती है। रिक्वेस्ट भी होती है, तो विल से आप सेंटेंस जब बनाते हो तो ये एक रिक्वेस्ट भी हो जाती है। Can you please sit here? हाँ ये भी कह सकते हो आप। Yes sir. Will you please sit here भी कह सकते हो। वो फिर अभी मॉडल्स में पढ़ेंगे डिटेल में। फिर तो would भी कह सकते हो, could भी कह सकते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं। जी। तो फिर डिटेल बहुत है उसमें। वो अपन मॉडल्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है? Yes sir. तो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें फ्यूचर में देयर इज अ कंडीशनल सेंटेंस। जैसे कंडीशनल सेंटेंस हो जाता है, यदि बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अब दोनों फ्यूचर है। अगर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर बारिश होगी, अगर बारिश होगी तो बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, तो कैसे? अब लगते हैं आपको दोनों फ्यूचर है। बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, दोनों फ्यूचर है, लेकिन दोनों फ्यूचर में नहीं बनेंगे। So why? क्योंकि रूल है। Okay, sir. क्यों रूल है? क्योंकि जो इफ वाला सेंटेंस है, हाँ जी, वो हमेशा प्रेजेंट में ही बनता है। इफ वाला सेंटेंस, If it rains, तो ये होगा, भले ही फ्यूचर में है लेकिन बनेगा ऐसे ही। If it rains, I won't go out. If it rains, I won't go out. Sir, I will not go outside. क्या अंतर है? सर अपनी लैंग्वेज में होंगे सिंपल, वो भी लिख सकते हैं क्या? अपनी तो अपनी क्या है, ये कोई वो है क्या? रोटी थोड़ी है ये, कि ये मेरी रोटी है, ये तेरी रोटी है। यस सर। अपनी किसकी लैंग्वेज? अपनी तो है ही नहीं ये लैंग्वेज। तो इफ इट रेन्स आई वोंट गो आउट, आपकी नहीं है, हमारी भी नहीं है ये लैंग्वेज तो। yes, sir. हमारी आपकी लैंग्वेज तो अलग ही है, वो तो ये लाला कहा लाला, जब बारिश है रही है मैं ना जाऊंगा बाहर। yes, sir. हमारी आपकी तो ये लैंग्वेज है। हाँ जी। नहीं जी, आपकी लैंग्वेज कुछ और हो सकती है, हमारे इधर तो यही बोलते हैं भिंड की साइड। हाँ जी, वही बोलते आप। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट में बनता है। इफ इट रेन्स आई वॉन्ट गो आउट, प्रेजेंट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। अब जैसे सेंटेंस है, अगर तुम फीस जमा नहीं करोगे अगर तुम, तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। फीस जमा नहीं करोगे
तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। इफ यू नॉट डिपॉजिट द फी, नॉट इन डिपॉजिट तो कुछ होता ही नहीं ना। तो सर प्रेजेंट इनडेफिनिट बनाओ। सर प्रेजेंट इनडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ तो नेगेटिव है ना। यस सर। ओ इफ यू डू नॉट, इफ यू डू नॉट डिपॉजिट द फीस आई will not teach you. If you don't deposit my fee, I won't teach you. Sir, I want में तो आगे मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता। अरे यार आप फिर confused हो जाते हो। ये want है, want कहाँ है? अच्छा सर, want का वो क्या सर, breakup? वो want होता है, WANT। ये want है। इसका सर वो क्या है? ब्रेकअप क्या सर? विल नॉट, विल नॉट नहीं पढ़ाऊंगा। कंफ्यूज हो जाते हो। नहीं सर, मैंने इसका ब्रेकअप नहीं जाना था, तो मैं इसको बारह वांट समझ रहा हूँ। आपने ब्रेकअप बता दिया ना, पहले भी बोला था मैंने, आपने सुना नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। नहीं सर, मिस हो गया वो। हाँ मिस हो गया आपसे, मैंने बताया था आपको पहले भी कि वांट मतलब विल नॉट होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बोला जाता है स्पीकिंग। Yesterday I was telling one of my student about speaking, how any language is spoken. Sir, how? How any language is spoken? कोई भी language कैसे बोली जाती है? कैसे बोली जाती है? हाँ, I just give you an example. Yes, sir. So, have you ever seen any child speaking or talking to his or her mother? No sir. बच्चा देखा है जो अपनी माँ से बात करता है या कर रहा है? Yes sir, देखा है। देखा। Suppose that child needs some water to drink. Yes sir. तो वो अपनी माँ से कैसे बोलता है? क्या वो ऐसे बोलता है, मम्मी मुझे पानी चाहिए? No sir. या ऐसे बोलता है, मम्मी भाई जाइए। कैसे बोलता है वो? सर उसके बच्चे पर डिपेंड करता है, उसके मतलब बोलना सीखा नहीं सीखा उसने अभी। अच्छा, उस पर डिपेंड करता है। हाँ जी, ठीक है। आपने सीख लिया बोलना? हाँ जी। अच्छा, अब आप अपने दोस्त को फोन लगाते हो। हाँ जी। और आप उससे पूछ रहे हो, कैसे बात कर रहे हो जी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड? एनीथिंग सर, सुमित। नहीं कोई होगा ना, यू मस्ट बी हैविंग अ फ्रेंड। आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड। अरे फ्यू की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो एक की बात कर रहा हूँ। एक है। यस सर, एक है। उसका नाम क्या है? उसका नाम सुमित। हाँ सुमित। Now you call सुमित। Yes sir। आपने कहा सुमित क्या तुम, सुमित क्या तुम मेरे साथ आज चांदनी चौक चलना पसंद करोगे? सुमित भी बोलेगा, क्योंकि वो तो सीख चुका है लैंग्वेज। Yes sir। तो वो भी बोलेगा, हाँ हेमंत, मैं आपके साथ चांदनी चौक चलना पसंद करूंगा। फिर आप फोन पे पूछोगे, तो आप किस वक्त मेरे से मिलेंगे? फिर सुमित उधर से बोलेगा, क्योंकि वो भी सीख चुका है लैंग्वेज, तो वो भी ऐसे ही yes, बोलेगा। फिर हाँ हेमंत, मैं आपको 4 बजे उस जगह पर मिलूंगा।
यस ऐसे ही तो सर। बोलोगे, आप भी तो सीख चुके लैंग्वेज, हाँ जी ऐसे ही बोलते हो क्या आप? ऐसे ही बोलते हो सर, क्या? सर पूरे सेंटेंस नहीं बोलते हम तो, शॉर्ट में बोलते हैं यार, हाँ? आ जाना चांदनी चौक, आ जाना है, मिलोगे क्या? बोले हाँ चलो, चार भी मिल जाना वहां पे। यस तो यही तो बोलते हो ना आप, सर, तो वही तो मैं कह रहा हूं कि बच्चा अपनी माँ से ये बोलेगा कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, या ये बोलता मम्मी पानी चाहिए, पानी मुझे मम्मी पानी चाहिए, ऐसे बोलेगा सर, क्या? क्लियर सेंटेंस बोलेगा सर, क्लियर सेंटेंस बोलेगा। क्लियर बोलेगा तो हाँ जी, यदि बोलने बोलना से क्या सीख होता जाओगे, हो। तो आप भी तो सीख गए थे क्लियर बोलना, हाँ जी, तो आपने कहाँ क्लियर बोला कब? जब सुमित से बात की? वो तो सर, हम जब हम ज्यादा फैमिलियर हो जाते, फिर हम ज्यादा सेंटेंस को प्रॉपर नहीं बोलते, अच्छा फिर तो हम दो दो शब्द यूज करते हैं कि ठीक है, अच्छा, ये तो वो। बच्चा फैमिलियर नहीं हुआ आपसे, तो वो क्लियर बोल रहा है, यही तो कहना चाह रहे हो आप? नहीं सर, एक है क्लियर ऑफ वॉइस और एक है कंप्लीट सेंटेंस, दो अलग वो है। बच्चा अब बोलना सीख गया तो वो क्लियर वॉइस में बोल रहा है, छोटा बच्चा होता है बोलता है कि मम मम, फिर जब वो बड़ा हो जाता है बोलता है पानी, ऐसे ऐसे बोलता है, फिर धीरे धीरे वो बोलता है मम्मी पानी दे दो, पानी पीना है, पानी। एक तो सही हो गया क्लियर वॉइस, और एक जब जो फ्रेंड से आप बता रहे हो, एक तो हो गया फॉर्मेलिटी वाला सेंटेंस, पूरा हम सेंटेंस बात कर रहे हैं, और एक हो गया सिर्फ शॉर्ट में बात कर रहे हैं, या तो चलेगा बोले हाँ मैं चलूंगा, चार बजे आ जाना, ठीक है पहुंच जाएंगे बस। ऐसा नहीं है, यस सर, फिर कैसे है सर? आप बेसिक कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूं हाँ जी ठीक उसको आप नहीं समझ पा रहे, है सर, फिर आप समझाइए। क्योंकि आप उस चीज को समझ ही नहीं पाए। कोई भी लैंग्वेज जैसे लिखी जाती है वैसे नहीं बोली जाती है, बच्चा नहीं जानता एक एक शब्द जो आप कह रहे हो ना, बच्चा क्लियर बोलेगा, यस बच्चा सर, क्लियर नहीं बोलता, बच्चा क्या जी कोई भी नहीं बोलता, आप भी नहीं बोलते, आप भी ऐसे नहीं बोलते श्रीमान जी क्या आप मेरे साथ चांदनी चौक चलना पसंद करोगे, वो भी नहीं बोलता हाँ सर, हेमंत मैं आपके साथ चांदनी चौक चलना पसंद करूंगा, ये नहीं होता है, ये यस सर, स्पीकिंग नहीं होती है, लिखोगे तो लिखोगे ऐसे, राइट सर, मैं क्लियर वही है, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बच्चा समझ कहां गया। से बोल देगा ऐसे, बच्चा जानता है शब्द एक एक, नो सर, वो नहीं बोलेगा कभी। नहीं बोलेगा, सारे शब्द एक सेंटेंस बन, एक सारे शब्द मिलके एक शब्द बन जाता है, यस सर, जैसे मुझे पानी, जब वो ये क्लियर नहीं बोलेगा मम्मी मुझे पानी चाहिए, हाँ जी भाई भाई जाइए, जी ऐसे ही बोलेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, यस सर, तो स्पीकिंग ऐसे ही होती है, एक एक शब्द अलग अलग नहीं बोला जाता है, तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आई विल नॉट बोलना सही नहीं होता, ये नेचुरल स्पीकिंग नहीं है, या आई डू नॉट, या इफ यू डू नॉट डिपॉजिट माई फी आई विल नॉट टीच यू, ये सर, नेचुरल स्पीकिंग नहीं है, ओके सर, नेचुरल स्पीकिंग क्या है फिर? है? सर नेचुरल स्पीकिंग क्या है फिर? जो लिखा है मैंने वो है, ओके, इफ यू इफ यू डोंट डोंट डिपॉजिट डिपॉजिट माय माय फीस फी आई आई वांट टू वॉन्ट टीच यू। और बोला भी ऐसे ही जाना चाहिए, यस सर, ऐसे नहीं बोला जाएगा इफ यू डोंट डिपॉजिट माय फी आई वॉन्ट टीच यू, ये नहीं है, शॉर्ट में बोला जाएगा सर, शॉर्ट कैसे फॉर्म बोला में। जाएगा, वही तो बोल रहा हूँ, शॉर्ट कुछ नहीं होता, जो मैं बोल रहा हूँ वही है,
लेकिन सारे वर्ड्स आपको ऐसा लगना चाहिए एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, अलग राइट अलग सर, खड़े हैं, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। हाँ इफ यू डोंट डिपॉजिट माई फी आई वॉन्ट टीच यू, जी, यस सर, एक सेंटेंस बोल के भले ही आप रुक जाओ, चाय नाश्ता कर लो, नहा लो धो लो फिर बोलो, कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं, जी, पर एक सेंटेंस दूसरे एकदम आपका कंटिन्यूटी में आना से चाहिए, हाँ यस सर, समझ में आया आप। समझ गया सर। If you don't deposit the fees, I won't teach you. हाँ तो ये फ्यूचर Yes, में sir. जब इफ आया था तो हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं एक सेंटेंस भले ही वो दोनों आपको फ्यूचर में लग रहे हो में। Yes, sir. लेकिन बनेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट और सेकंड आपका फ्यूचर बनेगा सेकंड फ्यूचर में बनेगा, ये कंडीशनल सेंटेंस है फ्यूचर में। अगर जी बारिश होगी जैसे वो बताया था मैंने, अगर सर बारिश होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा ना, इफ इट रेन्स आई वॉन्ट गो आउट, इसी तरह अगर तुम मेरी फीस जमा नहीं करोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इफ यू डोंट डिपॉजिट माई फी आई वॉन्ट टीच यू, सर क्लियर। क्लियर सर। अब इसमें क्या होता है, एक यूज और है शेल, तो शेल प्लस आई वी वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, शेल प्लस आईवी, ये समय स्क्रीन पे आ नहीं रहा, बार आप रिपीट कर देंगे प्लीज। आ नहीं रहा, शेल नहीं प्लस, सर, यस सर, शेल प्लस शेल प्लस आई आई ऑब्लिक वी, मतलब ऑब्लिक आई वी, और वी के साथ शेल होता है लेकिन इसी फॉर्म में होता है, शेल प्लस शेल प्लस आई ऑब्लिक आई वी वी प्लस वी वन प्लस वी वन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन प्लस ऑब्जेक्ट मार्क। यस सर, क्वेश्चन मार्क, हम्म, ये सर विच टाइप ऑफ सेंटेंस, हाँ ये क्या है, तो ये तो सारे फ्यूचर में किसी के साथ भी बिल लगाते हो आप, कैसे बिल लगाता हूँ, लेकिन शेल आई और वी के साथ क्वेश्चन में ही बनता है, अच्छा जी, शेल का शेल यूज टू क्वेश्चन में ही होता टू, है, हाँ आई और वी के साथ ही होता है, कैसे, जैसे हमने कहा क्या मैं जाऊं, शेल आई गो, हाँ जैसे जाऊं खाऊं लाऊं तो शैल आई ब्रिंग, परमिशन लेते हैं जैसे सर, हाँ नहीं परमिशन लेकिन आप कहो तो लेते हैं, मतलब आप चाहो तो, जैसे आप कुछ कर रहे हो मैंने कहा शैल आई हेल्प यू, परमिशन यस सर, शेल आई हेल्प यू, ये मैं अपने लिए नहीं ले रहा आपके लिए ले रहा हूं, बट सर एक होता है मे आई हेल्प यू, वो भूल जाओ अभी, यस सर, वो हम मे आई हेल्प यू तो अलग चीज है, वो आपको चाहिए इसलिए आप उससे परमिशन ले रहे हो, मे आई गो आउटसाइड आप जाना चाहते हो, मैं गो टू वॉशरूम, हाँ तो आप जाना है आपको, लेकिन शेल जब होता है जब दूसरे की इच्छा होगी तो आप करोगे वो काम, यस सर, जब उसकी परमिशन होगी, परमिशन से मतलब नहीं है, आप उससे पूछ रहे हो भैया तेरे को मदद चाहिए तो मैं करूं क्या, यस सर, शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, मदद करूं क्या, अगर तुझे चाहिए तो, नहीं तो मैं तो बैठा ही हूं, यस सर, लेकिन मैं होता है आप अपने लिए चाहते हो, यस सर, लाइक मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, जब आपको ठीक है, पानी चाहिए यस सर, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यस सर, ये ठीक है, ठीक है सर, हाँ तो ये पूरा कंप्लीट फ्यूचर जी, सर आप कुछ पास्ट के कुछ प्रैक्टिस टेंसेस दे सकते हैं सेंटेंसेस,
पास्ट के, मतलब यस सर पास्ट के पूरे। यस सर सर 1 मिनट सर, बैटरी लो हो रही है, मैं चार्जर लगा देता हूँ। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ जी। तो पास्ट के कंप्लीट चाहिए आपको? यस सर कंप्लीट सेंटेंस हिंदी की आप बताइए, मैं इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करूंगा। हाँ तो ठीक है, ओके नोट डाउन। यस सर। मैं डॉक्टर के यहाँ गया था। मैं कल डॉक्टर के यहाँ गया था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मेरा दोस्त भी मेरे साथ जाना चाहता था। मेरा दोस्त भी मेरे साथ जाना चाहता था, पर जब मैंने उसको फोन लगाया तो वो घर पर नहीं था। ये सब कंबाइंड सेंटेंस है सेपरेट सेंटेंस? अलग अलग बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने उसको फोन लगाया वो घर पर नहीं था। यस सर। तुम 1 घंटे से क्या कर रहे थे? तुम 1 घंटे से क्या कर रहे थे? वह 1970 से बैंक में मैनेजर था। मैं 1970 से बैंक में मैनेजर था। बैंक में मैनेजर था। मुझे पता चलने से पहले मुझे पता चलने से पहले तुम अपनी गाड़ी बेच चुके थे। तुम अपनी कैसे क्या बेच चुके थे? तुम अपनी घड़ी बेच चुके थे। तुम अपनी घड़ी बेच चुके थे। यस सर। दिवाली से पहले हमने अपने घर की सफाई कर ली थी। दिवाली से पहले हमने अपने घर की सफाई कर ली थी। जी। आप कब से कब तक इंग्लैंड में थे? आप कब से कब तक इंग्लैंड में थे? यस सर। मैंने उसके घर जाने से पहले मैंने उसके घर जाने से पहले उसे सूचना दी थी। उसे सूचना दी थी। यस सर। पुलिस के आने से पहले
बाजार में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। पहले बाजार मैंने आपको पहले ही सूचना दे दी थी। सूचना कल आप बाजार में क्या कर रहे थे? बाजार में क्या हाउ मेनी एवरी वर्ड? टू फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन थर्टीन ओके आई गिव यू टू मोर। जब मेरी माँ खाना बना रही थी, जब मेरी मैं माँ टीवी देख रहा था। खाना बना सर। आप कल यहाँ क्यों नहीं आए? आप कल यहाँ क्यों नहीं आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दी थी? आए? आपने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? क्या वह कल ऑफिस गया था? क्या वह कल ऑफिस गया था? इट्स हाँ जी मैंने ये करिए आप। ठीक है, ठीक है सर। सी यू ऑन फ्राइडे। यस सर, फ्राइडे 5 PM। टुडे इट वाज योर 11th ओ सॉरी 10th लेसन। यस सर, 10th लेसन। स्लो चल रहा है बहुत। था सर कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही बीच में, कभी इलेक्ट्रिसिटी मेंटेनेंस चल रही है थोड़ी हमारे यहाँ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ओके कुछ वैसे ही पर्सनल। ओके नो प्रॉब्लम, सी यू ऑन ओके फ्राइडे। ओके सर, सी यू, थैंक यू सो मच। ओके यू मे डिस्कनेक्ट।